हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वॉम वेलकम टू ऑल। और मैं दीपिका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। सो फ्रेंड्स, लेट्स चेक कि ट्विन फ्लेम जर्नी में किस तरह की एनर्जीज चल रही हैं। अभी मैं जो है सबसे पहले हमारी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज चेक कर रही हूँ। मैंने कार्ड्स की इमेज डाल दी थी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो देखिए, यहाँ पर जो है डिवाइन फेमिनाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपने पास्ट के बारे में सोच रही हैं। पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं वो उस पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, विचार कर रही हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और जो भी हुआ वो क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। बहुत सारी क्वेश्चंस हैं उनके मन में, और बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन के पास दो ऑप्शंस हैं, लेकिन वो चूज़ नहीं कर पा रही हैं कि वो पहले वाले जो उनके डिवाइन मैस्कुलाइन है वो उनके पास जाएं, या फिर वो किसी नए व्यक्ति को, नए सोलमेट को अपनी लाइफ में एंट्री दें। तो इस तरह की कंफ्यूजन चल रही है डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में, और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हैं कि किसको चुनें। अभी वो ब्लाइंड फोल्डर की तरह हो गई हैं, बिल्कुल अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली है, और उनको लगता है कि पता नहीं मेरे लिए क्या रास्ता सही होगा। बहुत ज़्यादा जगलिंग भी चल रही है कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, या फिर उनके डिवाइन फेमिनाइन जो मैस्कुलाइन है उनकी फैमिली एग्री नहीं है, तो उसमें जगलिंग चल रही है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो नए पर्सन को चूज़ करें या डिवाइन मैस्कुलाइन को चूज़ करें। बहुत ही ज़्यादा जगलिंग चल रही है कुछ लोगों को करियर को लेकर, और अपनी प्रोफेशनल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर जगलिंग चल रही है। सो इस तरह की एनर्जीज हैं हमारी डिवाइन फेमिनाइन की, और ये पास्ट में बहुत ज़्यादा जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में सोच रही हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे टावर का कार्ड आया था, और टावर का कार्ड मतलब कि डिवाइन का इंटरफेयर है। सो यहाँ पे हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, अपने आप को ग्रो किया है, स्पिरिचुअल बनी है काफ़ी ज़्यादा। वो उन्होंने अपने पेन जो है पेन को की परवाह ना करते हुए उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को काफ़ी अच्छे से निभाया है। और लेकिन यहाँ पर हार्ट चक्रा काफ़ी ब्लॉक हो गया है, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा सहा है इसी वजह से। सो यहाँ टावर का कार्ड आया था फ्रेंड्स, तो मैंने टावर के कार्ड को क्लैरिफाई किया था आप लोगों के लिए। सो यहाँ पर टावर के कार्ड को जब मैंने क्लैरिफाई किया, तो यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, यानी कि आपकी जो टेंशन है, आपकी जो परेशानी है, आपकी जो समस्याएं हैं, जो आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, एनजाइटी है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, पास्ट का बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगलिंग बहुत ज़्यादा है, जगलिंग बहुत ज़्यादा है। सो डिवाइन का इंटरफेयर हो रहा है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। टावर आ रहा है फिर से, टावर का कार्ड आया है यहाँ पर, मैंने इसको क्लैरिफाई किया तो नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। तो आपका जितना स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आपकी जितनी समस्याएं हैं, उसे समाप्त करने के लिए डिवाइन का इंटरफेयर हो रहा है। और यहाँ पे उसके बाद में मेरे पास फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यानी कि बहुत सारे लोगों की रियूनियन हो सकती है, क्योंकि अब जो नया पोर्टल खुला है ये 21 वाला, 21 दिसंबर से नया पोर्टल जो खुला है, तो इसमें और बहुत सारे लोगों की रियूनियंस होंगी। सो हमारी डिवाइन फेमिनाइन जो हैं कुछ मैरिज कर सकती हैं, कुछ की रियूनियन हो सकती है, जो ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनकी रियूनियन हो सकती है, जो अनमैरिड हैं उनकी मैरिज हो सकती है। और यहाँ पे एस ऑफ कप है, दोनों की तरफ से इमोशंस फुल हैं, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो है उनकी तरफ से भी इमोशंस फुल हैं, आपकी तरफ से भी इमोशंस फुल हैं। लेकिन ये कनेक्शन जो है ये 5D में ज़्यादा चलता है, और 3D में ये दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। सो कुछ और एनर्जीज को मैंने चेक किया था, तो आइए देखते हैं कि ये एनर्जीज क्या कह रही हैं। आपको क्या नहीं करना है, आपको कंपैरिजन नहीं करता है करना है। आप कंपैरिजन करने लग जाते हैं दूसरों के साथ अपना,
कि उनके पास ज़्यादा अच्छा हस्बैंड है, ज़्यादा अच्छा परिवार है, ज़्यादा अच्छा पैसा है। तो आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। हो सकता है कुछ लोगों के जो डिवाइन मास्कुलाइन है उनको उनके डिवाइन मास्कुलाइन का ड्रीम आए, और चीज़ें जो हैं वो पोस्टपोन हो रही हैं, इसी वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा परेशानी में आ रहे हैं। आप बार बार पास्ट में चले जाते हैं, जो घटनाएं हुई हैं उन्हीं को बार बार दोहराते हैं। सो अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, डिवाइन फेमिनाइन हार्ट चक्रा को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको थोड़ा प्लेफुलनेस में रहना है, प्लेफुलनेस में रहिए, अपनी क्रिएटिविटी में जाइए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपने प्रोफेशन को और ग्रो कीजिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए, ताकि आप सही टाइम पर सही निर्णय ले सकें। आपको फ्रेंडलीनेस में जाना है, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए, अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छी एनर्जीज को अपने आसपास क्रिएट कीजिए। ठीक है डिवाइन फेमिनाइन, सो ये आपकी एनर्जीज थी कि आप अभी किस तरह का फील कर रहे हैं। सो अब मैं ये देखना चाहूंगी कि हमारे जो डिवाइन मास्कुलाइन हैं उनकी क्या एनर्जीज चल रही हैं। लेट्स चेक। डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जीज हम चेक करेंगे फ्रेंड्स, किस तरह की एनर्जीज चल रही हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो आपको पास्ट में जो है छोड़ के चले गए थे। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी इनके पास जिस टाइम ये आपको छोड़ के गए थे, लेकिन अब ये अपना लव ऑफ कप आपको देना चाहते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन जो है डिवाइन फेमिनाइन को अपना लव ऑफ कप देना चाहते हैं। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस वक्त में जो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो बाहर भी हो सकते हैं। सो हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन हैं वो आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं। अब वो इस सिचुएशन में विक्ट्री चाहते हैं। उनके मन में जो पहले दुविधाएं थी, जो पहले नेगेटिविटी थी, अब वो नेगेटिविटी की उस नेगेटिविटी की पट्टी को उतार देना चाहते हैं। वो पास्ट में आपको छोड़ के चले गए थे बिना बताए कुछ बोले, लेकिन अब वो आपको जो है अपना लव ऑफ कप जो है ऑफर करना चाहते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन जो है इस वक्त अपने पेंटिकल्स पर काम कर रहे हैं ज़्यादा, और चैरियट का कार्ड है तो यानी कि वो अपने आप को बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, यिंग यैंग की एनर्जी है, यिंग यैंग की एनर्जी यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट वाइट एंड ब्लैक। सो वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की काफ़ी हीलिंग हुई है जिसकी वजह से उनको पता चला है कि ये कनेक्शन से वो बाहर नहीं जा सकते हैं कुछ भी हो, और अब वो अपना लव ऑफ कप ऑफर करना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं। इस सिचुएशन में वो विक्ट्री चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों की मैरिज भी हो सकती है क्योंकि यहाँ सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सो बहुत सारे जो डिवाइन मास्कुलाइन है वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन से मैरिज करना चाहते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। सो आइए कुछ और एनर्जीज चेक करते हैं हमारे डिवाइन मास्कुलाइन के। डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। उनको पता है कि
कि उन्होंने पहले सिचुएशन को बहुत कंट्रोल किया था, अपने पर्सन को कंट्रोल किया था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। वो अपना मास्टर खुद बनना चाहते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बहुत, और कुछ टाइम के लिए वो भी पास्ट में चले जाते हैं और पास्ट की बातों को सोचते हैं। यानी कि हमारी डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मैस्कुलाइन हो, वो दोनों ही मिररिंग कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से डिवाइन फेमिनाइन के लिए मिररिंग का कार्ड भी आया था शायद। जो डिवाइन मैस्कुलाइन है और डिवाइन फेमिनाइन है, ये मिररिंग कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। सो प्लीज़, डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मैस्कुलाइन हो, आप दोनों जब भी एक दूसरे को एनर्जी सेंड करें, सो आप एक अच्छी एनर्जी सेंड करें। बहुत सारे जो लोग हैं, इनको टेलीपैथिकली जो है कोट्स मिल रहे होंगे, सॉन्ग्स मिल रहे होंगे, आपको अपने पर्सन की एनर्जीज के बारे में पता चल रहा होगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो डिवाइन फेमिनाइन के साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। कुछ लोग अभी भी कार्मिक्स के साथ हैं और उनका पर्सन जो है उनको वो कंट्रोल कर रहा है। बहुत सारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, उनके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। सो यहाँ पर हीलिंग चल रही है डिवाइन की तरफ से। क्रिएटर का कार्ड है, मास्टर का कार्ड है। सो इनको अपनी वाइब्रेशंस को काफ़ी हाई करने की ज़रूरत है। हाई वाइब्रेशंस में जाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, वो क्या पर्सनल मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स चेक। यू आर द सनशाइन इन माई लाइफ। गिफ्ट्स मिल सकते हैं। आई डोंट नो हाउ टू बी इन माई इमोशंस। या सो जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, उनकी हीलिंग हुई है। सो अभी उनको पता नहीं है कि किस तरह से अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को जो है वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को बयान करें, बताएं। प्लीज़ डोंट लीव मी। तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको छोड़ के ना चले जाएं। यू मीन द वर्ल्ड टू मी। और हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो काफ़ी वर्कहॉलिक हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं। सो हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है और डिवाइन मैस्कुलाइन जो है, जो उनकी बातचीत नहीं हो पा रही है काफ़ी टाइम से। हो सकता है कि बहुत सारे लोग सेपरेशन में हैं, बहुत सारे लोग जो हैं नो कांटेक्ट में हैं। सो यहाँ पर आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो डिवाइन फेमिनाइन से ये कहना चाहते हैं, दिस साइलेंस इज किलिंग मी। सो ये साइलेंस जो है उनको किल कर रही है, उनको बहुत ज़्यादा पेन ले रही है, क्योंकि आप लोगों की कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये कुछ पर्सनल मैसेज थे। सो आई होप कि आपको इस एनर्जी से पता चला होगा कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो किस तरह की एनर्जीज में है, वो क्या सोच रहे हैं। सो आप अपने आप पर वर्क करते रहिए, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, अपने आप को हील करते रहिए। और सही समय आने पर रीयूनियन जो है वो हो जाएगी, और इस पोर्टल के ओपन होने से बहुत सारी रीयूनियंस होने वाली हैं। सो अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, अपने डिसीजन को लीजिए, और अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बनाते हुए पॉजिटिव तरीके से आगे की ओर मूव कर जाइए। थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप पे नंबर आता रहता है। और न्यू ईयर के लिए अभी मैं डिस्काउंट दे रही हूँ, सो प्लीज़ मुझसे पर्सनल रीडिंग लेके आप जान सकते हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप कहाँ तक पहुँचे हैं, आपने स्पिरिचुअली कितना ग्रो किया है, आपकी कितनी अवेकनिंग हुई है। मैं ये सब आपको बताऊँगी। या फिर आप जो हैं पर्सनल रीडिंग लेके ये देख सकते हैं कि आपका आने वाला जो साल है उसमें
किस तरह की पर्सनल ग्रोथ होगी, किस तरह के करियर में ग्रोथ होगी, सो हम सभी कुछ चेक करेंगे। सो माय डियर डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मास्कुलाइन, आप सभी लोग जो हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी अपने आप को आपने हील किया है। सो इसी तरह से आप अपने आप को हील करते रहें। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देयर स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।